भारतीय संस्कृति में ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने दुख दूर करके दूसरों का दुख दूर करता है उसी को मोक्ष मिलता है। भारतीय संस्कृति में अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। धर्म अर्थ काम मोक्ष का हमारा संस्कृति है। मोक्ष प्राप्ति अंतिम जीवन का उद्देश्य है और मोक्ष प्राप्ति के लिए जो रास्ता है वो ये है कि स्वयं का दुख दूर करना, फिर दूसरों का दुख दूर करने का प्रयास करना। जो व्यक्ति अपना बीमारी ठीक करे और फिर दूसरों का बीमारी ठीक करने के लिए प्रयास करे वो सभी को मोक्ष मिलता है। तो आप योग प्राणायाम सीखें, आयुर्वेद का ज्ञान लें और आपका दुख दूर हो जाएगा। फिर दूसरों को योग प्राणायाम सिखाएं और आयुर्वेद बताएं तो उनका भी दुख दूर होगा, तो आप सभी को मोक्ष मिलेगा। और मोक्ष से बड़ी तो कोई चीज नहीं है भारतीय दर्शन।
तो योग प्राणायाम और आयुर्वेद का ये अभियान हमने इसलिए शुरू किया कि प्रत्येक भारतवासी अपने जीवन के दुखों को कम करके दूसरों के दुखों को कम करे और मोक्ष में जाए, इसीलिए हमारा ये अनुष्ठान। तो अनुष्ठान का एक लक्ष्य है सभी को सुखी बनाना, स्वस्थ बनाना, निरोग बनाना। और इसी अनुष्ठान का दूसरा लक्ष्य है भारत का गरीबी दूर करना, बेरोजगारी दूर करना, भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी दूर करना, आतंकवाद नक्सलवाद दूर करना, ये भी हमारे अनुष्ठान का लक्ष्य है। आप बोलेंगे ये कैसे करने वाले हैं? इस अनुष्ठान के दूसरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लोगों ने करप्शन भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प लिया। हमारे देश में भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी बहुत ज्यादा। भारत में जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो वो कहते थे कि भारत के प्रत्येक गरीब व्यक्ति को दिल्ली से जब 1 रुपए भेजा जाता है तो वो गरीब आदमी तक 15 पैसे ही पहुंच पाता, 85 पैसे बीच में ही लूट जाते। अब राजीव गांधी ने ये 1984 में कहा था, 1984, आज से करीब 26 साल पहले। अभी राजीव गांधी के जाने के बाद तो स्थिति और भी खराब है। अभी तो किसी गरीब आदमी के लिए दिल्ली से 1 रुपए भेजा जाता है तो गरीब आदमी के पास 10 पैसे ही पहुंच पाता है, 90 पैसा 90 पैसा बीच में ही लूटमार हो जाता है। और ये पैसे का लूटमार करने वाले भारत में कौन है? एक तो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, और दूसरे तो हमारे अधिकारी हैं। भ्रष्ट नेता और अधिकारी दोनों मिलकर पैसे का लूटमार करते हैं। हमारी भारत सरकार के बहुत सारे डेवलपमेंट के फंड्स सभी पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स लूट लेते हैं। हमारे भारत देश में केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, जिला सरकार का, नगर पालिका सरकार का और ग्राम पंचायत का 5 स्तर पर जो फंड्स कलेक्शन है उसका 85% से 90% लूट मार होता है। और ये कितना है? ये 18 से 20 लाख करोड़ रुपए जो लूट मार होता है। और ये सारे जो नेता हैं ये सभी पैसे को लूट मार करके विदेशी बैंकों में, फॉरेन बैंक्स में जमा कर देते हैं। हमारे भारत के जो भ्रष्ट नेता और अधिकारी हैं उनका अभी फॉरेन बैंक्स में 330 लाख करोड़ रुपीज डिपॉजिट है, 330 लाख करोड़ रुपए। और ये सारा धन आपका टैक्स का, मेरा टैक्स का, उसमें से लूटा है और विदेशों में जमा कर दिया। अभी हमने एक संकल्प लिया है कि भारत के नेताओं ने ये जो धन लूटकर विदेशों में जमा किया है इस धन को भारत में वापस लाना है और इसी धन से भारत का गरीबी को मिटाना है, बेरोजगारी को मिटाना है। आप बोलेंगे क्या ये धन वापस आ सकता है? हाँ आ सकता है। इसको वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मदद लेकर हम इस धन को वापस ला सकते हैं। और भारत का सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया इसी के लिए और वो पिटीशन को बहस करने का काम कर रहे हैं श्री राम जेठमलानी, एक मशहूर वकील हैं। और ये पिटीशन अभी सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार हुआ है और इस पर सरकार को नोटिस इशू हुआ है और पिटीशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है कि विदेशी बैंकों में किसका कितना पैसा जमा है ये सरकार जल्दी से सुप्रीम कोर्ट को बताए। अभी अच्छा ये हुआ कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सरकार इस धन का पता कर रही है। 34 कंट्रीज में ये धन का पता चल गया है, थोड़े दिन में बाकी देशों में भी पता चलेगा। और सुप्रीम कोर्ट में ये पूरी जानकारी आने के बाद हम अपील करेंगे कि इस पूरे धन को भारत का राष्ट्रीय संपत्ति बना दिया जाए और ये पैसा पूरा भारत में वापस आ जाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। उम्मीद है कि 2011 के अंत तक ये कार्य हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और अगर नहीं होगा तो हम फिर भारत के पार्लियामेंट में एक बिल लेके आएंगे
और इसके लिए कई एमपीज के साथ हमने बात कर लिया है और कुछ एमपीज ये बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे और वो बिल इस बात के लिए होगा कि विदेशी बैंकों में जो 330 लाख करोड़ रुपए डिपॉजिट है वो भारत का राष्ट्रीय संपत्ति है। जब ये बिल पार्लियामेंट में आएगा तो इस पर डिबेट होगी। डिबेट के समय हम देखेंगे कि कौन कौन एमपीज इसको विरोध कर रहे हैं, अपोज कर। जो एमपीज इसको विरोध करेंगे पक्की बात है कि बेईमान वही है, पैसे उन्हीं के हैं और अकाउंट्स भी, तो सारे देश को पता चलेगा बेईमान एमपीज कौन कौन है। और पार्लियामेंट में अगर बेईमान एमपीज ज्यादा हो गए तो ये बिल तो गिर जाएगा, और अगर ईमानदार एमपीज ज्यादा हो गए तो बिल पास होगा। बिल पास होगा तो कानून बनेगा, कानून बनेगा तो पैसे आ जाएंगे, और बिल अगर नहीं पास हुआ तो हम फिर नेक्स्ट स्टेप हम जो लेने वाले हैं वो हमारा ये है कि 2014 में जब जनरल इलेक्शन होगा पार्लियामेंट का, वो टाइम पर पूरे देश में से 400 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को हम इलेक्ट करके लाएंगे और फिर इस बिल को पास कराएंगे और फिर उसके बाद कानून। हमारे बहुत सारे मित्र ये प्रश्न करते हैं कि 400 एमपीज आप कैसे जिता के ले आएंगे। बहुत सिंपल है, एक सन्यासी ने ये संकल्प लिया है और सन्यासी के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, सन्यासी का सभी काम पूरा है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी एक सन्यासी, उन्होंने ये संकल्प लिया और उनके साथ ऐसे 70 और दूसरे सन्यासियों ने भी संकल्प लिया। हमारे भारत में एक बड़े महान संत हैं परम पूजनीय स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, उन्होंने ये संकल्प लिया है 2014 में जब भी पार्लियामेंट इलेक्शन होगा। परम पूजनीय स्वामी सत्यमित्रानंद जी कहते हैं मैं एक एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाऊं। और एक संत है परम पूजनीय स्वामी अवधेशानंद गिरी, एक है परम पूजनीय स्वामी गोविंद देव गिरी, एक है परम पूजनीय स्वामी जयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य कामकोटी कांचीपुरम, एक है परम पूजनीय स्वामी मुरारी बापू, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय स्वामी सुधांशु महाराज, एक बहुत बड़े संत हैं परम पूजनीय रमेश भाई ओझा। ऐसे 70 संतों ने संकल्प लिया और वो सब मिलकर जाएंगे 2014 के इलेक्शन में और 400 एमपीज तो आराम से जीत कर आ जाएंगे, क्योंकि ये सब सन्यासियों के जो भक्त हैं पूरे देश में, वो भक्त अगर एक साथ मिलकर वोटिंग करेंगे तो 500 से ज्यादा एमपीज जीत जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। और एक बार ये एमपीज जीत के आएंगे तो कानून बनेगा, बिल पास होगा, 330 लाख करोड़ रुपए विदेशों से वापस आ जाएगा, और इस पैसे को अगर भारत के सभी नागरिकों में हम बांटें, इसका सोना खरीदें, गोल्ड खरीदें और वो सभी भारतवासियों को दे दें, तो भारत के हरेक परिवार को 100 किलोग्राम सोना दान में दे सकते हैं, 100 किलोग्राम को। अगर इस पैसे को भारत के गांव में बांट दें, प्रत्येक गांव को 100 करोड़ रुपए दे सकते, प्रत्येक जिले को अगर ये पैसा दे दें तो हर एक जिले को 50,000 करोड़ रुपए दिए जा सकते, माने गरीबी बेरोजगारी तो संपूर्ण ठीक हो सकता है। हमारा ऐसा एक प्लान है कि ये जब भी पैसे वापस आएंगे 330 लाख करोड़ तो इससे गांव-गांव में हम इंडस्ट्रीज लगाएंगे, हर गांव में 100 उद्योग, हर एक गांव में 100 उद्योग, और हर एक गांव में 100 उद्योग लग जाएंगे तो 64 करोड़ भारतवासियों को उसमें नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगी, और 64 करोड़ लोगों का बेरोजगारी तो समाप्त होगा, फिर गरीबी भी खत्म हो जाएगी। और ये जो पैसे आएंगे ये विकास के कार्यों में खर्च करेंगे, गांव-गांव में रोड्स बनाएंगे, हर गांव में स्कूल कॉलेज बनाएंगे, हर गांव में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाएंगे, हर गांव के चासी बंधुओं को चासी के कार्य के लिए जल का आवश्यकता होता है तो उसके लिए तालाब और सरोवर हर गांव में बनाएंगे,
हर एक गांव को तो 24 घंटे इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, ये सारा डेवलपमेंट का कार्य करने के लिए मात्र 30 लाख करोड़ खर्च होगा और धन हमारे पास 330 लाख करोड़। तो 30 लाख करोड़ खर्च कर देंगे, 300 लाख करोड़ फिर भी बचेगा, वो बचे हुए धन को बैंक में डिपॉजिट करें फिक्स्ड डिपॉजिट, तो उसका एक साल का जो इंटरेस्ट है वो 30 लाख करोड़ आएगा और उतना इंटरेस्ट अगर देश का उपयोग में आए तो टैक्स लेने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, सारे टैक्स माफ कर सकते हैं और टैक्स माफ हो जाएंगे तो सारा महंगाई खत्म हो जाएगी। अभी हमें पेट्रोल है 55 रुपए 60 रुपए लीटर, टैक्स समाप्त होने के बाद पेट्रोल होगा 16 रुपए लीटर। अभी डीजल है 40 रुपए लीटर, टैक्स समाप्त होने के बाद 7 रुपए 50 पैसे लीटर। अभी केरोसिन 20 रुपए लीटर, टैक्स समाप्त होने के बाद 3 रुपए लीटर होगा। एलपीजी सिलेंडर अभी 370 रुपए का होता है, टैक्स समाप्त होने के बाद ये 50, 55, 60 रुपए का तो हो जाएगा। नमक अभी 8 रुपए किलो है, टैक्स समाप्त होने के बाद 50 पैसे किलो हो जाएगा। सीमेंट एक बैग अभी 300 रुपए का आता है, टैक्स समाप्त होने के बाद 72 रुपीज का सीमेंट बैग आएगा। लोहा अभी 50 रुपए किलो है, टैक्स समाप्त होने के बाद 12 रुपए किलो हो जाएगा। कोई भी वस्तु सस्ती होगी, आप यदि कोलकाता में अभी घर बनाएंगे तो 10 लाख रुपए में घर बनेगा, टैक्स समाप्त होने के बाद यही घर 3 लाख में बन जाए। हमारे किसी भी परिवार के व्यक्ति को हम इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी खड़गपुर भेजते हैं तो 5 साल का खर्च 5 लाख रुपए आता है, टैक्स समाप्त होने के बाद 70,000 रुपए में वो इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर सके। अभी भी एमबीबीएस एमडी कराने में 40 लाख रुपए खर्च होता है, टैक्स समाप्त होने के बाद तो 4 लाख में एमडी हो जाए। सभी पढ़ाई सस्ती होगी, घर सस्ता होगा, घर बनाना सस्ता होगा, घर की वस्तुएं सस्ती होगी, महंगाई पूरी समाप्त हो जाएगी और सभी लोग तो थोड़े आराम से जीवन बिताएंगे, थोड़ा समृद्धि ज्यादा बढ़ेगी, घर खर्च कम होगा तो बचत ज्यादा बढ़ेगी और उससे देश की तो समृद्धि बढ़ेगी, ये हमारी प्लानिंग है। और एक बात हमें करनी है कि देश का सारा डेवलपमेंट होने के बाद, गरीबी बेरोजगारी समाप्त होने के बाद, महंगाई समाप्त होने के बाद, भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए नया कानून बनाएंगे और वो कानून ये होगा कि जो भी कोई रिश्वत लेगा और वो पकड़ा गया तो 3 महीने में उसको फांसी की सजा हो, फिर कोई रिश्वत नहीं। जब 2-3 नेताओं को फांसी पे चढ़ा देंगे फिर सभी नेता सीधे होगा, 2-3 अधिकारियों को फांसी हो जाएगी, सब रिश्वत लेना बंद करें। और अंत में हमें भारत की कुछ और सीरियस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, भारत का बहुत सारा भूमि चीन के कंट्रोल में है, वो वापस लेना है। 72,000 वर्ग मील भूमि है जो चीन के पास है, वो वापस लेना है। हमारा पाकिस्तान का वन जो हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, वो 1/3 पाकिस्तान के पास है, वो वापस लेना है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में भारत के समर्थन में प्रस्ताव कराना है और हमारा जमीन वापस लेना है। और एक काम हमें करना है कि भारत में अंग्रेजों का जब भी सरकार चलती थी तो वो जो कुछ भी लूट कर ले गए वो सभी वापस लाना, कोहिनूर हीरा अंग्रेजों ने लूटा वो वापस लाना है, हमारा सोने का सिंहासन अंग्रेजों ने लूटा वो वापस लाना है, भारत के मंदिरों से सोना लूट कर अंग्रेज ले गए वो वापस लाना है। मैं आपको एक इतिहास का उदाहरण देता हूं, एक अंग्रेज आया था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, वो कोलकाता से 1757 में 900 शिप्स भर के गोल्ड ले गया था, सोना ले गया, 900 पानी का जहाज भर के सोना लेकर गया था रॉबर्ट क्लाइव, और वो सारा सोना लंदन में अभी रखा है म्यूजियम्स, वो सभी भारत में वापस ला। और उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हमें केस फाइल करना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और उसके लिए हमने तैयारी शुरू किया है, हजारों डॉक्यूमेंट्स हमने कलेक्ट किए हैं इसके लिए, और ये बहुत बड़ा केस हम लड़ेंगे और इसको जीतेंगे।
और 450 लाख करोड़ का गोल्ड अंग्रेजों से हम वापस लेते हैं, 450 लाख करोड़। और इतना गोल्ड अगर भारत में वापस आएगा तो भारत सोने का चिड़िया नहीं, सोने का शेर हो जाएगा। भूतकाल में भारत सोने का चिड़िया था, अभी भविष्य में सोने का शेर बनेगा। सोने का चिड़िया कमजोर होता है, उसको कोई भी लूट लेता है, शेर को कोई नहीं लूट सकता, शेर को कोई टच भी नहीं करता, ऐसा भारत होना चाहिए। और इसके लिए पूरा भारत देश से 10 करोड़ नागरिकों का संगठन खड़ा करना है। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने ये अनुष्ठान शुरू किया, इसमें 10 करोड़ नागरिकों का मदद चाहिए, और वही मदद मैं मांगने आपसे आया। आप भी हमारे इस अनुष्ठान में थोड़ी मदद करिए। आप बोलेंगे क्या मदद करें, हमको हमारे इस अनुष्ठान में 10 करोड़ मेंबर्स की जरूरत है, आप हमारे मेंबर बन जाए। और इस अनुष्ठान में मेंबर बनने के लिए 11 रुपए दान देना होता है, 11 रुपीज का डोनेशन देकर आप मेंबर हो सकते हैं। आप 11 रुपीज तो डोनेट कर सकते हैं, कोई बड़ा धन नहीं है वो, तो आप मेंबर बने और 10 लोगों को और प्रेरित करें, वो भी हमारे मेंबर। इस समय सारे देश में हमने मेंबरशिप कैंपेन किया हुआ है, परम पूजनीय स्वामी जी इसी के लिए निकले हुए हैं। हर दिन 15,000 से 20,000 लोगों को वो मेंबर बना रहे हैं। वो कोलकाता भी आने वाले हैं दिसंबर लास्ट वीक में, तभी बहुत बड़ा पब्लिक मीटिंग उनका होने वाली है, और उसमें लाखों लोगों को वो मेंबर बनने के लिए कहेंगे। मैं भी आपसे यही कहने आया, आप एक एक मेंबर बने और 10-10 को कहें, वो 10-10 और 10-10 को कहें। पूरा कोलकाता से हमें 25-30 लाख मेंबर्स की जरूरत है, आप सब उसमें मिलके सहयोग कर सकते हैं। और हम तो जीवन का सिद्धांत जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, थोड़ा थोड़ा सहयोग करें तो काम पूरा हो जाता है। तो आप सब थोड़ा थोड़ा सहयोग करें इस कार्य में। और एक सन्यासी ने ये कार्य शुरू किया है, परमपिता परमात्मा की कृपा से ये जरूर पूरा होगा, क्योंकि 70 और दूसरे सन्यासियों का इस कार्य में सहयोग है, आशीर्वाद है। तो हम सब मिलकर अपने भारत के इस बड़े अभियान को पूरा करेंगे, और इस अभियान की मदद से भारत को सोने का शेर बनाएंगे, विश्व गुरु जगत गुरु बनाएंगे, भारत का गरीबी बेरोजगारी भुखमरी को मिटाएंगे, और भारत देश का हर समस्या का समाधान करते हुए भारत को स्वतंत्र स्वावलंबी स्वयंपूर्ण देश बनाकर अपने क्रांतिवीरों के सपनों का पूरा पालन करेंगे। भारत के लाखों क्रांतिकारियों ने इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना बलिदान किया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष जैसे भारत के लाखों क्रांतिवीरों का बलिदान हुआ। 7,32,780 क्रांतिवीरों ने देश की आजादी के लिए बलिदान किया है। हम इस देश को आगे बढ़ाएंगे और जगत गुरु बनाएंगे। शहीदों ने क्रांतिकारियों ने देश को आजादी दिलाई है, हम इस देश को जगत गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। गरीबी भुखमरी बेकारी बीमारी सब समाप्त करके एक ऐसा देश जो आदर्श होगा सारी दुनिया में, वो हमें बनाना है। इसके लिए आपका सहयोग चाहिए, और आपका सहयोग मेंबरशिप के रूप में चाहिए। आप मेंबर बने और दूसरों को बनाए। मेंबर बनने के लिए सभी रिसीप्ट बुक हमारे योग शिक्षकों के पास हैं, हमारे पदाधिकारियों के पास हैं, आप कभी भी उनसे वो ले सकते हैं, और रिसीप्ट बुक लेकर दूसरों को भी प्रेरित करके उनको मेंबर बनने के लिए आगे कह सकते हैं। इतना कहकर मैं आपका धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। आप सब यहाँ आए, मेरी बातों को आपने सुना, इन बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचारित करेंगे तो हम सब आपके आभारी रहेंगे, और आप हमारे मेंबर बनकर दूसरों को मेंबर बनने के लिए प्रेरित करेंगे तो हमेशा इस कार्य के लिए हम आपके ऋणी रहेंगे। मैं बोलूंगा भारत माता की, हम सब बोलेंगे जय। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद।